हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है, देश को, लोक राजनीति को। हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज हमने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1,00,000 ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1,00,000 नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को, फ्रेश ब्लड 1,00,000, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1,00,000 नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए, देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1,00,000 ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया, हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं, एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए
देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है। 2047 विकसित भारत ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं रुकावटें चुनौतियां उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है, मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं तीन गुना काम करूंगा, तीन गुना तेज गति से काम करूंगा, तीन गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हों।